गुड आफ्टरनून चलिए वही ठीक है।, है लास्ट डे हम लोग न्यूक्सन देखे थे और आपको मैंने बोला था ये चार्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है ये वाला जिसमें हमने चार तक कर लिया था ये चार तक में किसी को डाउट है तो बोल सकते हूँ हिमांशु सिंह गेमर पहचाने सर क्या हाँ पहचान गए हिमांशु रोहन गुड आफ्टरनून तनु गुंजन कुमारी चलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था काफ़ी बच्चे क्लास मिस किए हैं कम से कम रिकॉर्डिंग तो देख लेना चाहिए चलिए तो हम लोग निक्लोफिलिक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे मैं आपको बताता है बताता हूँ क्या किया हमने लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कि हेलोल्केन क्या होता है पोलडीन नेचर होता है आपका हेलोजन और कार्बन बॉन्ड क्या होगा हमेशा पोलडीन नेचर तो याद होगा जब कभी भी कोई निक्लोफाइल डालेंगे तो निक्लोफाइल जो है आपके कार्बन प्लस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा एक्स को लिविंग ग्रुप बोलते हैं ये निकलेगा आर एन यू बनेगा और एक्स माइनस निकलेगा ठीक है तो ये जो हम लोग का चार्ट था बाबू ये चार्ट था इसमें मैं, मैंने कल बताया था एनओ के साथ रिएक्शन करवाया था ठीक है वाटर के साथ एन के साथ एन के साथ आज हम लोग का पांचवां रिएक्शन है रिएक्शन में तमोनिया ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा था एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ठीक है किसी को डाउट हो कल की क्लास में तो कोई बताना नहीं तो आगे कैरी करते हैं चलिए चलिए तो आज हम लोग का टारगेट है कि ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक चार्ट को ख़त्म कर ले ठीक है हम लोग को अमोनिया के साथ पढ़ना है फिर प्राइमरी अमीन के साथ फिर सेकेंडरी के साथ फिर के सी एन फिर ए जी सी एन फिर के एनो टू ए जी टू सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिथियम हाइड्राइड और रिएक्शन विथ मेटल ये हम लोग को टोटल रिएक्शन करना है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ये रिएक्शन नंबर फाइव है हम लोग का रिएक्शन विथ है अमोनिया ठीक है चलिए क्या हम लोग हेलो एल्केन पे अमोनिया डालेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा कैसे अटैक होगा सब आपको बताना है बता बताना ठीक है चलिए तो सबसे पहले ये आपको पता करना है कि अमोनिया निक्लोफाइल कैसे है तो मैंने निक्लोफाइल के लिए कल तीन कंडीशन बताया था कि जो भी निगेटिव चार्ज होता है स्पेसिस उसको निक्लोफाइल बोलते हैं अगर किसी पे लोन पेयर है तो वो भी क्या होगा आपका न्यूक्फाइल होगा एक चीज ये देखना अमोनिया तो कोवलेंट कंपाउंड है एनाइज होगा नहीं तो आप इतना समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और लोन पेयर है तो ये क्या होगा यही लोन पेयर न्यूक्फाइल जैसा ट्रीट करेगा ठीक है इस बॉन्ड का नेचर तो आप लोग जानते ही हैं कार्बन हाइलोजन बॉन्ड क्या होता है पोलर कार्बन पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज होगा हेलोजन पे पार्सल नेगेटिव चार्ज कैसे अटैक करेगा तो ये लोन पेयर आपको यहाँ अटैक करेगा ठीक है अटैक के बाद क्या होगा बाबू देखना तो यहाँ पे आर एक्स है और नाइट्रोजन के नाइट्रोजन अपना चौथा बॉन्ड बना रहा होगा कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के पास आपके पास कितना बॉन्ड है तीन बॉन्ड है एक जो लोन पेयर है वो आपका कोऑर्डिनेट कर देगा क्या कर देगा कोऑर्डिनेट करेगा कोऑर्डिनेट जब ये इलेक्ट्रॉन करेगा तो आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन का चौथा बॉन्ड बन गया तो क्या होगा यहाँ पे प्लस चार जाएगा ठीक है एक चीज़ और जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा उसी समय हेलोजन निकल रहा हो तो ये आप दोनों चीज़ दिखा सकते हैं एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब ये दिखा सकते हैं कि जी जिस समय कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपका टूट रहा होगा उसी समय ये आपका बॉन्ड बन रहा होगा ठीक है तो ये निकल जाएगा क्या बन जाएगा x माइनस क्या बन जाएगा x माइनस और इधर क्या बचा एक चीज और देखना नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो ये क्या करेगा अपने किसी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीनेगा और यहाँ क्या बन जाएगा R एक H प्लस निकलेगा यहाँ से आर एन एस टू और देख सकते हैं यहाँ वाला H प्लस और ये X माइनस ये आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा एच एक्स ठीक है आपको मेन प्रोडक्ट देखना है कि जब हम लोग जब हम लोग हेलोल केन से रिएक्शन कर रहे थे अमोनिया डाला तो बना क्या हम लोग का प्राइमरी अमाइन ठीक है आप प्रोडक्ट एग्जाम्पल में प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो इतना गण जोत नहीं है क्या करते हैं हम लोग जस्ट जैसे हम आपने आर लिया अमोनिया के साथ रिएक्शन किया शॉर्ट ट्रिक से आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं ये एच को आप निकालेंगे एच निकला मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बाबू आर एन एस टू तो आप देख सकते हैं जो आपका निकलो चार्ट है वहाँ कैसे लिखा है निक्लो चार्ट में क्या लिखा है जब आप अमोनिया डालेंगे निकलोफाइल क्या आपका अमोनिया प्रोडक्ट क्या बन रहा है आर एन एस टू आर एन एस टू में क्या प्राइमरी अमाइन तो जब किसी हेलो पे आप डालेंगे आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा प्राइमरी अमाइन ठीक है मैं एक दो और एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका जैसे आपने लिया सी एस सी सी एस टू एन एस टू सी एस टू बी आर ले लिया इस पर अमोनिया का अटैक करवाया क्या होगा जस्ट प्रोडक्ट लिखना है ट्रिक्स लिखना है एच बी आर निकालूंगा ठीक है और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका सीएस सी एस टू और क्या बन जाएगा आपका एनएस टू देख सकते हैं इथेना माइन बना है प्राइमरी अमाइन बना है किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हैं और आप एग्जाम्पल देखना जैसे आपने क्लोरोमिथेन लिया सी एस थ्री सी एल लिया इसमें अमोनिया डालेंगे क्या होगा तो ये एस सी एल निकलेगा एस सी एल निकला बना क्या सी एस थ्री एन एस टू क्या बना प्राइमरी माइन यहाँ दो कार्बन का इसको लिखेंगे हम लोग क्या इथेना माइन क्या लिखेंगे इथेना माइन यहां क्या लिखेंगे हम लोग मिथेना माइन ठीक है तो ये हम लोग का फिफ्थ रिएक्शन था जब किसी हेलोल्किन पे हम लोग अमोनिया डालते हैं प्राइमरी अमाइन आपका बनता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ क्या है बाबू हम नेक्स्ट है प्राइमरी अमाइन के साथ हुँ. पहले हम लोग रिएक्शन करवाए थे अमोनिया के साथ अब हम लोग रहे हैं प्राइमरी अमाइन ठीक है ये आपका क्या है प्राइमरी अमाइन ठीक है कैसे लिखेंगे हम लोग ये है आपका हेलोल्केन मैं इसको आर डेस लिख देता हूँ आर डेस इसलिए लिख देता हूँ कि हो सके ये आर और ये आर डिफरेंट हो सिमिलर भी ले सकते हैं ठीक है डिफ्रेंसीट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है एन एच एच और क्या हार्ड एस्क यहाँ भी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग तो ये एच एक्स निकालेंगे ठीक है एच एक्स निकला बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा तो एन पे एक आर ऑलरेडी है और ये आपका नाइट्रोजन निकले फाइल आर पे अटैक करेगा ही तो ये दो आर आ गया आप जानते हैं नाइट्रोजन पे एक आर हो तो प्राइमरी अमाइन बोलते हैं और नाइट्रोजन पे दो आर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन ठीक है आपको मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं जैसे आपने सी एस थ्री सी एल पे आपने डाला दो कार्बन का इथनाम माइन क्या होगा ये एस सी एल निकलेगा ठीक है मेन मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा एन पे क्या है आपका ये पोर्शन सी एस थ्री और ये क्या हो जाएगा इधर सी एस टू सी एस थ्री नाम क्या लिखेंगे हम लोग बाबू इसका नाम ऑर्गेनिक में आपको नेमिंग नेमिंग्लेचर आना चाहिए हर हालत में जब कभी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो प्रोडक्ट का नाम जोड़ लिखना होता है ठीक है कैसे नाम लिखेंगे तो जिधर लॉन्ग चेन है उधर नंबरिंग करेंगे ये आपका ब्रांच सब्सिच्युंट हो जाएगा क्या लिखेंगे यूपे के हम लोग एन मिथाइल और दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग माइन ठीक है तो आप दे सकते हैं हेलो पे अमोनिया डाले बना प्राइमरी अमाइन इसी हेलो पे प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन किए तो आपका क्या बना सेकेंडरी अमाइन नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का क्या है नेक्स्ट <coughs> रिएक्शन क्या है हम लोग का रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमाइन पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन डालें तो सेकेंडरी बना सॉरी पहले हम लोग अमोनिया डालें तो बना प्राइमरी प्राइमरी डाले तो सेकेंडरी बना इस बार हम लोग क्या डाल लें सेकेंडरी अमाइन डाल लें तो आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस लगा सकते हैं अब टर्सरी बनेगा ठीक है ये है आपका हेलोवल कैन ये है आपका सेकेंडरी एम आइन ये है आपका सेकेंडरी एम ठीक है कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आपका एच एक्स एलिमिनेट होगा और देख सकते हैं नाइट्रोजन पे दो आर तो ऑलरेडी है और एक हेलो एल्केन वाला आर कितना हो गया तीन आर तो ये आपका क्या है टर्सरी एम ठीक है मैं जस्ट आपको प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूँ ऐसे तो आपको निक्लोफिलिक रिएक्शन समझ में आ रहा ही रहा होगा कैसे होगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मैंने मैकेनिक पढ़ाया ही है आपको नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन अटैक पे करेगा हेलोजन निकलेगा ठीक है तो ये आपका प्रोडक्ट बना टर्सरी एमाइन तो देख सकते हैं आप रिजल्ट हेलो एल्केन पे अमोनिया रिएक्शन करवाया तो आपका बना क्या प्राइमरी अमाइन आइन हेलोकन प्राइमरी डाला तो क्या बना सेकेंडरी और सेकेंडरी डाला तो क्या बना आपका टर्सरी अमाइन अब आपके मन में चल रहा होगा क्या आठवां जो रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन क्या हम लोग टर्सी माइंड डाल सकते हैं तो टर्सी माइंड डाल के प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम हाईलाइट लेकिन वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एम चैप्टर में यहाँ बस आपके अकॉर्डिंग टू एन तीन ही रिएक्शन दिया है आपके एन में अमोनिया के साथ रिएक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी नो डाउट टर्सी के साथ भी कंपाउंड बनता है लेकिन हम लोग को वो पढ़ना है एमाइन में इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एमोनलिस ठीक है तो वो हम लोग को पढ़ना है ठीक है तो ये तीन रिएक्शन हम लोग कर लिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग का केसीएन और एजीसीएन ठीक है चलिए हम लोग के और एजीसीएन पे आते हैं ठीक है थीके? ये हम लोग का हो गया चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग का आठवा रिएक्शन विथ केसीएन ठीक है केसीएन और नाइन नंबर हम लोग एक ही साथ करेंगे कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है रिएक्शन विथ एजीसीएन ठीक है पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूं यहाँ क्या बनता है जब बाबू हम लोग हेलोल केन पे केसियन डालते हैं तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइनाइड क्या बनता है साइनाइड बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा केएक्स बाई प्रोडक्ट आपका निकलेगा क्या केएक्स और इसी हेलोल केन पे जब हम लोग सिल्वर साइनाइड ए जी सी एन डालते हैं तो यहाँ साइनाइड ना बन के यहाँ बनता है आइसोसाइनाइड। अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगना चाहिए कि दोनों में मेन प्रोडक्ट साइनाइड ही बनना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है बट ऐसा नहीं होता है ये हम लोग कैसे देखेंगे ठीक है और ऐसा क्यों हो रहा है हेलोल्केन पे हम लोग पोटासियम साइनाइड डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका साइनाइड बन रहा है और इसी हेलोल्केन पे सिल्वर साइनाइड डाल रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है आइसोसाइनाइड तो सबसे पहले हम इस कड़ी को समझते हैं कि दोनों में डिफ्रेंट रिएशन क्या हो रहा है ठीक है पहले आप ये जान लो जो ग्रुप वन हो वाले होते हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू जो एस ब्लॉक वाले होते हैं उनका जो भी कंपाउंड बनता है वो प्रीडोमिनटली मतलब मोस्टली करेक्टर उसमें आइनी कर रहता है आप लोग पढ़े होंगे एलेवंथ में जो एस ब्लॉक वाले होते हैं उसका जो कंपाउंड बनता है उसमें मेजोरिटी में क्या होता है मतलब प्री डोमिनट डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है आइनिक मतलब केसीएन जो आपका कंपाउंड है ये आपका आइनी कंपाउंड है आपको पता होगा आइनी कंपाउंड एवनाइज होता है तो ये एक्वस मीडियम है जैसे ही एक्वस मीडियम में पानी में डालेंगे हम लोग ये टूटेगा कैसे के प्लस और सी एन माइनस में ठीक है अभी तक हम लोग टर्म पढ़े थे निक्लोफाइल 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 अब इसमें एक नया टर्म आने वाला है जिसका नाम है एम्बीडियट निक्लोफाइल क्या नाम है इसका नाम एम्बीडियट निकलोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर ठीक है जब के ब्रेक करेगा आप कार्बन पर देख सकते हैं कार्बन निगेटिव है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले एम्बीडियट निक्लोफाइल एम्बीडियट निक्लोफाइल एम्बीडियटेड निक्लोफाइल क्या होता है तो वैसा निक्लोफाइल वैसा निक्लोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो वैसा निक्लोफाइल जिसके पास दो डेंटिसिटी मतलब दो निक्लोफिलिक साइट हो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो आप देख सकते हैं कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज है यहाँ पे कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है ठीक है तो ये है लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगा तो यहाँ बॉन्डिंग कार्बन थ्रू और ऐसा क्यों क्योंकि इतना कॉमन सेंस होगा कि कार्बन अगर कार्बन पे अटैक करता है आप देख सकते हैं ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कार्बन प्लस है कार्बन पे आ रहा है प्लस प्लस चार्ज तो कार्बन निगेटिव अगर यहाँ पे अटैक करता है तो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बनेगा उसके रेस्पेक्ट में अगर नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन अगर अटैक करता है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा तो आप समझ सकते हैं अब बॉन्डिंग समझ सकते हैं कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग और कार्बन नाइट्रोजन में किसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो नो डाउट सेम आइटम में ओवरलैपिंग अच्छे से होगा इन कंपेरिजन टू क्या डिफरेंट आइटम तो आपका कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा होगा इन कार्बन नाइट्रोजन लेकिन नो no डाउट पे दोनों देने की स्थिति में है मतलब साइनाइड जो आयन है आपका ये जो आपका बाबू साइनाइड आयन है यहाँ पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है लेकिन बेटर डोनेशन क्या होगा कार्बन के थ्रू होगा इसलिए यहाँ पे साइनाइड बनता है ठीक है अब देखिए अगर आप थोड़ा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उनमें डोमिनेंट करेक्टर किस क्या होता है कोवलेंट होता है जो आपके पोटासियम है वो ग्रुप वन का है ग्रुप वन के एलिमेंट में क्या होगा डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है आपका आइनिक तो आइनिक कंपाउंड तो ईजिली आयोनाइज हो जाएगा लेकिन आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड तो आयोनाइज होता नहीं है तो यहाँ कार्बन आपका डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है अवेलेबल कौन है नाइट्रोजन तो जब अगर ए डालते हैं आप एजी सी एन डालते हैं तो ए जी और कार्बन का यहाँ जो बॉन्ड है यहाँ सिल्वर और कार्बन में जो बॉन्ड है मैं फिर से बना देता हूं यहाँ बाबू आपका सिल्वर और कार्बन में जो बॉन्ड है ये जो बॉन्ड है सिल्वर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक वाला है तो डी ब्लॉक वाले में क्या होगा मेजोरिटी मेजोरिटी में डोमिनेंट करेक्टर क्या होगा कोबलेंड आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है एनाइज नहीं होगा तो यहाँ फ्री डोनेशन फ्री अवेलेबल कौन है कार्बन तो यहाँ अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल कौन है नाइट्रोजन तो यहाँ आपका नाइट्रोजन से देगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये फेवरेट है आपको कन्वर्जन के लिए भी बहुत काम आएगा ठीक है तो आपको ये देखना है तो आपको ये देखना है कि आप के डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ए डालेंगे तो क्या बनेगा नो डाउट एन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम लोग के डालते हैं तो साइनाइड मेन प्रोडक्ट बनता है और ए डालते हैं तो आइसाइनाइड बनता है ऐसा क्यों तो मैं बता रहा हूँ जो ग्रुप वन वाले होते हैं उनमें आइनी करेक्टर होगा आइनी करेक्टर होने के कारण साइनाइड आयन अवेलेबल होगा साइनाइड आयन जब अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन भी फ्री है देने के लिए नाइट्रोजन भी फ्री है लेकिन बेस्ट ओवरलैपिंग नो डाउट कार्बन कार्बन का ज़्यादा अच्छा होगा इन इनकम्परिजन टू क्या कार्बन नाइट्रोजन ठीक है तो इसलिए यहां पे साइनाइड बनेगा ठीक है नो डाउट सी के थ्रू अटैक होगा सी के थ्रू अटैक अटैक तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं लेकिन जब आप एजीसीएल पे एजीसीएल डाल रहे हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां कोबलेंट बॉन्ड है कोबलेंट बॉन्ड है, है तो आइनाइज नहीं होगा नो डाउट और यहाँ पे फ्री डोनेशन किससे है फ्री देने की स्थिति में कौन है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये बनेगा एक्साइनाइड ठीक है तो आपको याद रखना है केसीएन में बनता है मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं बस आपको क्वेश्चन करना है यहां अगर के सीएन डाले तो बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा और सेम कंपाउंड है इस पर अगर हमने एजीसीएन डाला तो क्या बनेगा अगला हम लोग का मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड ले, ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड पे अगर आप के सी एन डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और यही मिथाइल ब्रोमाइड पे डालेंगे तो क्या बना बताना है बताना है आपको ट्राई कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक में आपको ज्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट करना होता है जितना रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक उतना आसान हो जाएगा ठीक है चलिए तो बताइए पहले वाले में क्या होगा अभी हमने बताया के सीएन होगा तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका साइनाइड तो यहां आप कंपाउंड बनाएंगे साइनाइड ए जी सी एन है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका आइसोसाइनाइड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन सी यहां क्या लिखेंगे सी एन फिर यहां पे क्या होगा सी एस थ्री यहां भी है यहां भी सीएस थ्री है के सी एन है तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा साइनाइड एजीसीएन प्रोडक्ट क्या बनेगा आईसोसनाइट तो ये दोनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इसके जैसा ठीक मिलता जुलता जैसे आप देख सकते हैं जैसे आपका के सी सी के का सेट था वैसा ही आपका केएनओ टू एनओ टू का ये भी मैं बता देता हूँ के टू डालोगे तो आपका कंपाउंड बनेगा अल्काइल नाइट्राइट क्या बनेगा अल्काइल नाइट्राइट और टू डालोगे तो केएनो टू में ओ फ्री होता है तो वो के थ्रू बॉन्डिंग होगी अल्काइल नाइट्राइट होगा और अगर आ, आपने एजी टू डाला तो एनओ टू के थ्रू बॉन्डिंग होगा और बनेगा आपका नाइट्रोलगन तो ये दोनों रिएक्शन हम लोग साथ करते हैं ठीक है अगला है हम लोग का रिएक्शन विथ केएनो टू और सेम है आपका रिएक्शन विथ एजीएनओ टू ये दो रिएक्शन है साथ करेंगे हम लोग जैसा आपका केसीएन और एजीसीन के साथ था वैसा ही आपका रिएक्शन होगा के टू और एजीएनओ टू के साथ जब आप आरएक्स पे केएनो टू डालेंगे तो क्या होगा तब आपका बनेगा क्या अल्काइल नाइट्राइट इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट और सेम सबस्ट्रेट पे सेम सबस्ट्रेट पे अगर बाबू हम लोग ए जी एन ओ टू डालते हैं तो आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंस होगा प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा नाइट्रोल ठीक है बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका यहाँ बाई प्रोडक्ट आप लिखोगे के एक्स और यहाँ बाई प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे ए एक्स ए जी एक्स यहाँ कंपाउंड को क्या नाम देते हैं हम लोग नाइट्रो अल्किन दोनों का अगर आप देखोगे कंबाइंड करके तो उनको थोड़ा सेम लिखते हैं एनओ टू क्या लिखते हैं एनओ टू यहाँ भी आप क्या लिखते हैं एनओ टू लेकिन दोनों में बॉन्डिंग का फर्क है ये भी आपका एमवीडियंट निकले फाइल है ओ के थ्रू अगर लिंकेज होगा अगर ओ के थ्रू लिंकेज होगा तो हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल नाइट्राइड और यही कार्बन का बॉन्डिंग एन के थ्रू होगा बाबू एन के थ्रू होगा आपका नाइट्रोजन के थ्रू होगा तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रोल के ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको आप लोग करेंगे इस पर डालना है कि मेन प्रोडक्ट लिखना है आपको यहाँ भी मैंने डाला क्योनो टू मैंने प्रोडक्ट लिखिए यहाँ भी रिएक्शन करना है सी एस थ्री सी एस टू बी आर सब स्ट्रेट सेम है यहाँ हमने डाला है के टू यहाँ हम डालेंगे ए जी एनो टू यहाँ पे सी एस थ्री सी एल पे वहाँ डाला था हमने के टू यहाँ डालेंगे हम लोग एजनो टू प्रोडक्ट लिख के बताना है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा चलिए सेम रिएक्शन है बाबू जैसे KCN AgCN के साथ था के में आपका जो है लिगेंड था साइनाइड सी के थ्रू अटैक कर रहा था AgCN में एन के थ्रू अटैक कर रहा था वैसे ही आपका बाबू KNO2 और AgNO2 के केस में है जब आप लो तो के लोगे तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होगा और अल्काइल नाइट्राइड बनेगा जब आप ए जी एन ओ टू लोगे तो एन के थ्रू अटैक होगा और अब बनेगा आपका नाइट्रोल के अब आप प्रोडक्ट देख सकते हैं क्या बनेगा यहाँ पे सी एस थ्री सी एस टू और क्या बनेगा ओ एन डबल ओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्काइल नाइट्राइड। अल्काइल नाइट्राइड मतलब क्या होगा दो कार्बन का है इथाइल नाइट्राइड उसी तरह यहां भी क्या आपका बनेगा मिथाइल नाइट्राइड ठीक है प्रोडक्ट क्या बनेगा बाबू दो कार्बन का है तो दो कार्बन का क्या हुआ नाइट्रो इथेन यहां एक कार्बन का है तो क्या बनेगा आपका नाइट्रो मीथेन तो ये आपका सेम है जैसा आपका केसीएन एजीसीएन था वैसा ही आपका सिमिलर है बाबू क्या आपका एजीसीएन और किसके साथ एजीसीएन के में सेम था उसी तरह क्या, क्या है आपका ठीक है यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चलिए अगला हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड ये हम लोग का रिएक्शन विथ सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड ये करके दिखाता हूं मैं ये पूरा निक्लोफिलिक ये आपको याद रखना होगा अगर आप ये निक्लोफिलिक चार्ट याद रखोगे तो चैप्टर वन का जो कन्वर्जन है वो बहुत इजी गोइंग होगा ठीक है आपको अगर याद भी नहीं हो, हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आप ये निक्लोफिलिक्स चार्ट को बार बार अटैम्प्ट करेंगे खोल खोल के देखेंगे तो आपको भी चार्ट देखते देखते याद हो जाएगा ठीक है हाँ बस आपको एक काम करना है कि हेलोडिन हेलो में प्रिपरेशन जरूर याद रखना है ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी का पैटर्न होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रिपरेशन में आपको देखना होता है याद करना होता है ठीक है प्रिपरेशन आपको हर हालत में बाबू आपको याद करना होगा ठीक है चलिए और प्रिपरेशन के बाद जो मैंने मैकनिक बताया था उसको आपको लिख लिख के लिख लिख के आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है ठीक है चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ पेट्री एसिड सॉल्ट है सॉल्ट के बारे में तो नो डाउट आपने आप जानते होंगे सॉल्ट हंड्रेड परसेंट होता है तो ये पहले कैसे टूटेगा आप देख सकते हैं ये टूटेगा कैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और आपका ए जी प्लस ठीक है हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं हेलोल्किन पे रिएक्शन कैसा हो रहा है निक्लोफिलिक रिएक्शन तो सबसे पहले कोई भी रिजेंट अगर दिया होगा तो हम लोग देखेंगे कि निक्लोफाइल कौन है निक्लोफाइल को टच करेंगे निक्लोफाइल क्या है ठीक है चलिए तो ये जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है उसमें देखो आप निक्लोफाइल क्या है तो निक्लोफाइल यहाँ पर आपका क्या है ओ माइनस निक्लोफाइल है चलिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो ये हम लोग का हेलोल्केलोल्किन पर जब हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड सिल्वर साल्ट डालेंगे तो आप देख सकते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर तो आप स्टार्टिंग से ही जान रहे हैं पोलर इन नेचर है ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है ठीक है कार्बन पे अटैक क्या होगा निक्लोफाइल का तो ये आपका माइनस है ये प्लस है नो डाउट नो डाउट ये निक्लोफाइल अटैक करेगा पहले से ही आपका आर है आर पे पीछे से अटैक हो रहा है किसका ओ सी बॉन्ड और आर ठीक है ये कंपाउंड बताना है कमेंट सेक्शन में कंपाउंड कौन सा बना है तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्टर क्या बोलते हैं स्टर और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा आपका ए जी एक्स ठीक है मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं आप रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे आपको रिएक्शन करना है और प्रोडक्ट का नाम लिखना है आप कोई भी निक्ल रिएक्शन करवाएंगे बस रिजेंट को अगर ब्रेक करने आता है तो आपको रिएक्शन इजीली समझ में आएगा आप सबसे पहले रिएक्शन को रिजेंट ब्रेक करेंगे और हो जाएगा यह है आपका सी एस थ्री सी एस टू बी आर इस पे आपने डाला सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ए जी इन दोनों रिएक्शन में आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है चलिए बताइए तब तो तक मैं पानी पी लेता हूं कमेंट करके आपको बताना है कि प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ चलिए क्या है प्रोडक्ट तो जब आप लोग हेलोएलगन पे सिल्वर साल्ट साल्टेड डालेंगे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा एस्टर आपको नेमिंग भी करना है चलिए मैं करके दिखाता हूं ये माइनस है ये प्लस है डेल्टा निगेटिव पॉजिटिव ये एसिटेट आयन पीछे से अटैक करेगा क्या बनेगा सी एस थ्री सी एस थ्री पीछे से क्या आएगा आपका ओ सी ओ सी एस थ्री स्टर की नेमिंग में कैसे नेमिंग करते हैं डबल बॉन्ड कार्बन से नंबरिंग के स्टार्ट करते हैं वन टू दो कार्बन है तो लिखेंगे इथेनोइट और स्टर की नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं ऑक्सीजन से जुड़ा हो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है मिथाइल तो लिखेंगे क्या मिथाइल और दो के लिए क्या लिखेंगे इथानोएट ठीक है चलिए इसमें क्या मेन प्रोडक्ट होगा तो ये आपका प्लस है ये माइनस है ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव ये निकलो फाइल यहाँ अटैक करेगा ठीक है तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू ओ सी ओ सी एस थ्री की में कैसे नेमिंग होता है तो जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं तो एक और दो ये आपका पूरा सब हो गया क्या नाम लिखेंगे इसका तो इथर भी ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ इथाइल तो लिखेंगे इथाइल और आपका क्या होगा इथर्नोवेट ठीक है रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है समझना ठीक है चलिए तो हम लोग का कितना रिएक्शन हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी हम लोग कैरी कर लिए अब हम लोग का अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपका भा ये रिएक्शन है ये आपको आगे काफी बार रिपीट होगा जो आपका एलमोनियम हाइड्राइड है बाबू ये रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक है जहां भी रिडक्शन करवाना हो वहां हम लोग रेजेंट यूज करते हैं तो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिडक्शन वहां भी आएगा तो आप देख सकते हैं यहां से रिएक्शन विथ लिथियम एलमुनियम हाइड्राइड एक चीज तो आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए जहां भी हाइड्रोजन माइनस वन स्टेट में होता है वहाँ लिखा होता है हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड आपको पता होगा हम लोग लिखते हैं एन ए एच एन एच का मीनिंग क्या होता है सोडियम हाइड्राइड तो जहाँ भी हाइड्रोजन माइनस वन में होगा वहाँ हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइड्राइड ठीक है जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन होता है नो डाउट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है प्लस वन लेकिन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड जहाँ भी हाइड्रोजन का मेटल से बॉन्डिंग होता है उस केस में क्या होता है माइनस वन होता है और माइनस वन को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्राइड बोलते हैं ठीक है थीके? आपको मैंने स्टार्टिंग से रिएक्शन पढ़ाया है कि रिएक्शन में सबसे पहले आप निक्लोफिलिक्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन निक्लोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है ये देख लेते हैं तब हो जाता है जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हेलो एल्केन जो है हम लोग का हेलो एल्केन में तो आपको नेचर पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर आपका यहाँ जो कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल है क्या है इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रॉन घीचेगा इलेक्ट्रॉन घीचेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, है। ये बुलाया गया इसको निग्लोफाइल का इसलिए बार बार जो भी रिएक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है निक्लोफिलिक रिएक्शन हो रहा है सबसे पहले जो भी कंपाउंड दिया होता है इसे अभी जो कंपाउंड दिया है उसका नाम है एल आई ए एल एच फोर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसमें न्यूक्लोफाइल कौन देगा तो आपको मैं देखो इसको तोड़ के बताता हूँ हर जगह ऐसे ही टूटेगा ये टूटता है सबसे पहले एल आई प्लस एल आई प्लस एच माइनस और ए एल एस थ्री देखो ये कंपाउंड जो ब्रेक करता है ऐसे ब्रेक करता है ये टूटेगा एल आई प्लस मेटल है प्लस वन में टूटेगा हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या होगा एच माइनस में और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ए एल एस थ्री तो आप देख सकते हो कि हेलो केन पे आप रिएक्शन कैसा कर रहे हो तो हेलो केन पे हम लोग क्या कर रहे हैं निक्लोफिलिक रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि इस लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड में निक्लोफाइल कौन है इलेक्ट्रोफाइल कौन है तो आप देख सकते हैं ये है आपका निक्लोफाइल ये है आपका निक्लोफाइल यही आपका रिएक्शन करेगा ठीक है तो सबसे पहले जो भी रिजेंट होता है उसमें निक्लो फाइल क्या होता है ये खोजना हम लोग स्टार्टिंग से एनओ एच क्यू एच वाटर हर जगह आपको दिखाया मैंने कि सबसे पहले निक्लो फाइल क्या होता है वो हम लोग को देखना होता है अगर आप निक्लो फाइल देख लोगे तो रिएक्शन हो जाए चलिए तो ये आपको याद रखना होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हल्म, हाइड्राइड टूटता कैसे तो एल आई प्लस आपका क्या एच माइनस थोड़ा सा वर्क साफ कर देता हूं ये टूटता है क्या एल आई प्लस एच माइनस और Al3 थ्री तो जब आप अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो सिर्फ आपको निकल देखना है एच माइनस कहाँ अटैक करेगा आर पे और आर पे जैसे ही आर पे एच अटैक किया आप देख सकते हैं क्या होगा अल्के और इतना कॉमन सेंस है आपको आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है क्या हो रहा है अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन एच का जोड़ना किसी भी कंपाउंड पे एच का एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन तो यहाँ रिड्यूस होके क्या बन रहा है अल्केन बन रहा है बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा तो बाई प्रोडक्ट लिखना और आसान है ये आपको एक्स माइनस है और एल आई है ये मैं साइड कर देता हूँ इसको तो ये बनेगा क्या आपका एल आई एक्स ठीक है ये एक्स माइनस और ये एल आई एल आई प्लस एल आई एक्स बन जाएगा और आपका एक बाई प्रोडक्ट और क्या होना है ए एल आई ठीक है ये रिएक्शन बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है मैं आपको कुछ रिएक्शन करके दिखाता हूं जैसे आपने सी एस थ्री सी एल लिया इस पर डाला लिथियम हाइड्राइड कुछ नहीं करना है सबसे पहले निक्लोफाइल अटैक करेगा निक्लोफाइल के एच माइनस तो सी एस थ्री पे बाबू सी एस थ्री पे एच गया क्या बन गया ये सी एच फोर सी एच फोर मतलब क्या मीथेन बन गया इससे आसान क्या हो सकता है रिएक्शन और आपका एल आई सी एल और एल एस थ्री इससे आसान और इससे इंपॉर्टेंट एक्शन कोई नहीं है आपके अगला देखना सी एस थ्री सी एस टू बी आर है इस पर अगर आप लिथियम एलमुनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं तो मेन प्रोडक्ट बताइए क्या होगा ये देख रहे हैं आप ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो आपका जो H है वो कहा अटैक करेगा यहां पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू है एक एस जाने के बाद यहां क्या हो जाएगा सी एस थ्री आपका क्या बन गया इथेन मतलब जब आप किसी हेलो एल्केन पे, किसी हेलो एल्केन पे जब आप लोग लिथियम हाइड्राइड है डालते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट एल्केन। ठीक है बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका एल आई बी आर और क्या बनेगा आपका ए एल एस थ्री ठीक है तो ये आपका रिएक्शन हो रहा है जो काफी क्या है इम्पोर्टेंट है ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी रिजेंट देख के सबसे पहले आप समझ समझ सके निक्लोफाइल क्या है निक्लोफाइल है तो रिएक्शन कैरी हो जाएगा ठीक है तो इस वाले रिएक्शन में निक्लोफाइल क्या था आपका एच माइनस तो देख रहे प्रोडक्ट बना ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था आगे हम लोग का है रिएक्शन विथ मेटल रिएक्शन विथ क्या है हम लोग का मेटल के साथ हम लोग का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग को इस चैप्टर में दो मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ना है एक रिएक्शन विथ सोडियम और एक रिएक्शन विथ पोटासियम सॉरी सोडियम और मैग्नीशियम के साथ दो मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ना है एक हम लोग को पढ़ना है सोडियम के साथ एक मैग्नीशियम के साथ चैप्टर में दो रिएक्शन है एक रिएक्शन विथ सोडियम है और एक रिएक्शन विथ क्या आपका मैग्नीशियम है ठीक है तो चलिए इसको हम लोग कैरी करते हैं रिएक्शन विथ सोडियम और रिएक्शन विथ क्या है हम आप लोग का मैग्नीशियम ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं रिएक्शन विथ सोडियम जो रिएक्शन विद सोडियम है इस रिएक्शन का प्रॉपर एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन W U R T Z उर्ज रिएक्शन ठीक है देखिए इसमें मैं जनरल फॉर्मेट पहले रिएक्शन दिखाता हूं कि हेलो एल्केन पे जब हम लोग एने डालते हैं आपको पता है सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल है इनाट एटमोसफेयर बनाएंगे तो ड्राई इथर डालते हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो उसको एब्जॉर्ब कर ले पहले ठीक है ड्राई इथर डालते हैं क्या बनेगा तो ये प्रोडक्ट बनता है डबल आर और एन ए एक्स आप इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं कपलिंग का मीनिंग क्या होता है दोगुना होना कपल मतलब जुड़ना तो आप देख सकते हैं एक आर था और दो आर हो गया तो इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी भी बोलते हैं ठीक है ये रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा और इन प्रजेंस ऑफ क्या होगा आपका ड्राई इथर अब देखिए रिएक्शन मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूं जैसे सी आपने लिया और एने ड्राई इथर डाला क्या होगा तो एक कार्बन है सी एस थ्री ये क्या बन जाएगा आपका दो कार्बन इस रिएक्शन से स्टार्टिंग में एक, एक चीज समझ चुके हैं आप अल्केन में जब भी बनेगा इथेन के आगे ही बनेगा मिथेन इससे नहीं बन सकता है क्योंकि एटलीस्ट आप एक कार्बन का हेलो के लोगे तो एक बनेगा दो दो रहेगा तो चार तो जो भी रिएक्शन है वो डबल हो जाता है ठीक है तो इस इस प्रोसेस से इस रिएक्शन से एक चीज आपका लिमिटेशन है सबसे पहला जो आपको दे, देखना है कि इस रिएक्शन से मिथेन नहीं बनने जा रहा है ठीक है और देखना सी एस थ्री सी एस टू सी एल अगर आप दो कार्बन का लिए उस पर हम लोग डाले क्या Na ड्राई थर प्रोडक्ट क्या बनेगा तो एक कार्बन लिए थे एक से क्या हुआ दो हुआ तो इस बार दो कार्बन लिए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका चार कार्बन का क्या हो जाएगा ब्यूटेन ठीक है ये आपका क्या बाई प्रोडक्ट निकलेगा NaCl और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक और लिमिटेशन आपको दिख रहा होगा कि जो भी बन रहा है सब इवेंट नंबर में बन रहा है और नंबर में कंपाउंड नहीं बन पा रहा है जैसे आपने मान लीजिए ये तीन कार्बन का अल्केन लिया और इस पर डाला क्या आपने ड्राई थर तो क्या होगा ये तीन कार्बन है और तीन तीन क्या हो जाएगा आपका कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा एक दो तीन, चार पाँच और क्या छः कार्बन का ठीक है तो एक लिमिटेशन आप देख सकते हैं कि इस टाइप के रिएक्शन से जो भी बनेगा इवन नंबर के प्रोडक्ट बनेंगे और के प्रोडक्ट नहीं बन रहे ठीक है एक कार्बन का लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इथेन बनेगा दो कार्बन का लिया तो क्या बना आपका ब्यूटेन नॉर्मल प्रोफाइल तीन कार्बन का लिया चेन तो बना कितना छः कार्बन का और भी मैं दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट यहाँ एक सबसे बड़ी जल्दीबाजी क्या होती है कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप अटैप्ट कर सकते हैं कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ सावधानी हमको बरतना है और सही प्रोडक्ट हम लोग कैसे से कैसे लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे एक माइंड सेट बना लेते हैं कि जो भी रिएक्टांड होगा उसका डबल कर देंगे लेकिन डबल भी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होता है ठीक है डबल करने के चक्कर में प्रोडक्ट गलती भी लिख सकते हैं आप एक माइंड सेट तो हम लोग रखते हैं कि उर्स रिएक्शन में जो भी है डबल होगा एक कार्बन है दो होगा दो कार्बन है आपका क्या हुआ चार हो जाएगा यहां आपका तीन कार्बन है तो कितना हो जाएगा छह हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ प्रोडक्ट लिखना है एक रिएक्शन में जो पीछे लिखा था उसको मैं रिपीट कर देता हूं सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एल अब देखो एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों से यहां जो मैं बता देता हूं देखना जैसे बच्चे क्या काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन यहां पे कितना एक दो तीन है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं आपको कैसे एक दो तीन चार पांच और छह कुछ बच्चों को समझ में आता भी है कि ये प्रोडक्ट मैंने क्या लिखा है गलत लिखा है हां ये प्रोडक्ट यहां के लिए सही है नो no डाउट यहां के लिए सही है ठीक है और यहां पे ये सही क्यों नहीं हुआ गलत क्यों हुआ तो आपको ये चीज याद रखना है कि नो no डाउट हम लोग जो भी हेलोल के लेते ले 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 हैं उसका डबल होता है लेकिन डबल मतलब क्या जो सबस्ट्रेट है उसी का डबल होता है तो आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट नहीं था यहां जो सबस्ट्रेट है आपका जो रिएक्टेंट है यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो इसी फिगर का डबल होगा इसमें नो डाउट इस वाली रिएक्शन में ये प्रोडक्ट होगा जिससे कार्बन हाइलोजन बॉन्ड यहाँ पे कार्बन हाइलोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा नो डाउट तीन कार्बन का नॉर्मल प्रोपाइल है और ठीक इसका आप मिरर इमेज बना सकते हैं ये प्रोपाइल का मिरर इमेज बना लो और ये तीन तीन छे को जोड़ दो ये सही है लेकिन यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं होगा ठीक है तो जल्दी भी आप जल्दीबाजी में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे वो रिएक्शन बच्चे गलत करते हैं क्योंकि बच्चों को सिर्फ लगता है कि दोगुना होने वाला है लेकिन दोगुना किसका होना है जो रिएक्शन रिएक्टेंट है उसी का दोगुना होने वाला है तो कैसे करेंगे तो एक चीज मैं बताता हूँ कि आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक करेंगे आप क्या करेंगे आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक करेंगे देखिए मैंने ब्रेक कर दिया प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप तो इसी का मिरर इमेज बनाएंगे आप सबसे पहले इसका मिरर इमेज बनाओ ठीक है जो भी रिएक्टेंट होगा उसमें पहले आपको कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद क्या करना है बाबू उसका मिरर इमेज बनाना है और बाद में इन दोनों को बॉन्डिंग करके जोड़ देना है तो ये आपका सही प्रोडक्ट है ठीक है चलिए यहाँ भी हम लोग कैसे करेंगे अभी जैसे यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने बाबू 1 2 3 4 तो कोई बच्चा हो सके ऐसे लिख देगा डायरेक्ट ऑक्टेन लिख देगा 1 2 3 4 5 6 सात आठ कितना होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आपको पता है नो no डाउट ये प्रोडक्ट क्या है गलत है ठीक है हम लोग प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे तो जो भी हेलोल्केन होगा हेलोल्केन में तो यहाँ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का ही आपका क्या होगा डबलिंग होगा कपलिंग होगा ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कार्बन हेलोजन सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा ये आपका टर्ट ब्यूटाइल बन रहा है इस टर्ट ब्यूटाइल का मिरर इमेज बनाएंगे आप सबसे पहले टर्ट ब्यूटाइल का क्या बनाएंगे मिरर इमेज बनाएंगे और क्या कर लेंगे जोड़ देंगे ठीक है तो ये है आपका ऊर्ज रिएक्शन यहाँ कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं रिएक्शन आप देख सकते हैं रिएक्शन हम लोग रिजेंट क्या डालते हैं हेलो पर डालते हैं सोडियम और इन ऑफ क्या आपका ड्राइथ जो भी हेलोअलकेन होगा हेलो होगा ठीक डबल हो जाएगा इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं ठीक है किसी को डाउट है तो बोल सकते हो रिएक्शन में तो आज हम लोग का ये जो चार्ट था आज हम लोग का ये जो चार्ट था ये चार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है ये न्यूक्लियोफिलिक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं कन्वर्जन बनाते हैं ठीक है चलिए ठीक है तो आपको क्या करना है ये न्यूक्लियोफिलिक चार्ट फिर से घर में रफ करके इसको देखना है कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिर हम आगे हम लोग कल बात करेंगे ठीक है